हे गाइस, दिस इज अभिनव एंड वेलकम्स यू आपके अपने चैनल ट्रू टेकी पर। तो ये वीडियो फोटोग्राफी लवर्स के लिए है और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने Asus ZenFone Max Pro M1 खरीद लिया है या फिर वो लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन इसलिए रुक जाते हैं कि इसका कैमरा सेक्शन थोड़ा वीक है। तो पूरा का पूरा संडे मेरा इसी में लग गया कि आप लोगों के लिए मैं किस तरीके से इस चीज़ को करूँ कि आपके लिए ईजी भी हो जाए और आप आराम से इसको कर पाएँ। तो पहले एक बार सैम्पल देख लीजिए जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले वीडियो स्टेबलाइजेशन, तो आप देख सकते हैं कि गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद कितना अच्छा स्टेबलाइजेशन आ रहा है। तो एक बार आप लो लाइट फोटोग्राफ्स देख लीजिए। तो पहले ये फोटो देखिए, फिर ये। तो ये Asus ZenFone Max Pro M1 का फ्रंट कैमरा है। तो अभी आप यहाँ जितनी भी फोटो देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे गूगल कैमरा के, राइट साइड पर आपको यहाँ पे स्टॉक कैमरा की मिल जाएगी। तो दोनों में आपको एक गजब का डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो क्वालिटी है वो गूगल कैमरा की ज़्यादा है, ज़्यादा सेचुरेशन, एक्सपोजर रेट अच्छा है, डिटेलिंग बहुत अच्छी आ रही है, लाइट को ज़्यादा कवर कर रहा है। वहीं जो स्टॉक कैमरा है उसमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फर्क देखने को मिल जाता है, प्लस क्वालिटी तो गूगल कैमरा को टक्कर दे ही नहीं पा रही है। तो बात आती है कि मैंने किया कैसे, जैसे भी किया बट इतने इजी स्टेप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और दूसरी चीज़, आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी, प्लस अगर आप कभी भी दोबारा से स्टॉक रोम में आना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा। मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शायद रूटिंग आपको किसी ने आज तक इस तरीके से बताई ना हो। और इस रूटिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गूगल कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए की जाएगी, बाकी कोई भी फ़र्क आपके फ़ोन पे नहीं पड़ने वाला है, सब फीचर एज इट इज़ रहेंगे। तो जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो 10 से 11 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा और इतने इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर से ज़्यादा गो थ्रू भी नहीं है तब भी आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा टाइम ज़ाया न करते हुए रुचि ठाकुर कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको 6 लिंक मिलेंगे, 6 फाइल के, जिसमें गूगल कैमरा 15 सेकंड ADB, मैजिस्क फाइल, डिक्रिप्ट फाइल, रेड वॉल्फ रिकवरी और अनलॉक, इनको सभी को डाउनलोड कर लो। स्टेप 2, एक SD कार्ड लो जिसमें मैजिस्क इंस्टॉलर और डिक्रिप्ट फाइल को कॉपी कर डालो। अब इसको फ़ोन में लगा दो। फ़ोन में लगाने के बाद आपको फ़ोन को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप की एक साथ 5 से 6 सेकंड के लिए दबाए रखना है, जिसके बाद आपको फास्ट बूट स्क्रीन दिखाई दे जाएगा। अब आपको USB केबल उठाना है और PC के साथ इस फ़ोन को कनेक्ट करके अलग रख देना है। स्टेप 3, अब ABD फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो एक ब्लू स्क्रीन विंडो आ जाएगा, तो आपको हर चीज़ का जवाब वाई देना है, यानी कि वाई। उसके बाद स्क्रीन पे पूछा जाएगा कि डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल, तो आपको नेक्स्ट करना है और उसके बाद 2 से 5 सेकंड में सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ये ADB फाइल है ये सी ड्राइव में जा चुकी है। अब आपको रेड वॉल्फ रिकवरी फाइल को उठाना है और ABD फाइल फोल्डर में पेस्ट कर देना है। स्टेप 4, अब आपको अनलॉक फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद दिस PC को ओपन दोबारा से करके डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर जैसे ही आप ओपन करेंगे सबसे ऊपर आपको Asus बैठा मिलेगा। अब Asus पे आपको उंगली रख देंगे, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक और Asus वहाँ से निकल के आएगा, देन आपको उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर्स पर क्लिक करना है। तो अपडेट ड्राइवर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैनुअली सेलेक्ट करके तो फिर आप अनलॉक एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में जाएंगे जो अभी अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया था, और उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो ये अपने आप वहाँ से ड्राइवर उठा लेगा। स्टेप 6, अब आपको अनलॉक फोल्डर में जाना है, बिल्कुल अलग से बाहर से जाना है अनलॉक फोल्डर में, और वहाँ पे आपको unlock.bat फाइल मिलेगी जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक करना है। तो अब आपका बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अभी एक बार फिर पावर ऑन होगा, उसके बाद आपको जनरल सेटअप करना है, देन पावर को फिर से ऑफ कर देना है और फिर पावर बटन प्लस वॉल्यूम बटन को 4 से 5 सेकंड दबाए रखना है, तो फिर फास्ट बूट मोड आ जाएगा और फ़ोन को आपको फिर साइड में रख देना है। तो चलो अब नकल करो जैसे स्कूल में करते थे। तो अब आपको चलना है फिर से सी ड्राइव में, वहाँ पे ADB फोल्डर खोलना है। ADB फोल्डर खोलने के बाद आपको शिफ्ट प्लस राइट क्लिक एक साथ क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पावर शेल कमांड विंडो, तो उसको आपको ओपन करना है और अब वहाँ पे जो मैं लिखूँगा सेम छाप देना है। तो अब आपको स्पेस देना है, फिर फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस, उसके बाद रेड वॉल्फ फाइल को वहाँ से उठाना है और उसमें ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे 3 से 5 सेकंड लगेंगे रिकवरी फाइल को इंस्टॉल होने में। अब दोबारा से वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाए रखो जब तक लिखा ना आए प्रेस पावर टू कंटिन्यू। जब ये लिखा आ जाए
तो बस आप पावर की दबाए रखें जब तक रेड वोल्फ का स्क्रीन आपके सामने ना आ जाए। जैसे ही स्क्रीन सामने आए तो फिर वो आपसे पासवर्ड पक्का मांगेगा, तो आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको वाइप में जाना है, वाइप में फॉर्मेट डाटा और डेटा ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, तो अब आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और एक्सटर्नल एसडी को ओपन करना है, क्योंकि हमने एसडी कार्ड इसमें पुट किया है जिसमें दो फाइलें हैं। जहाँ पे आपने वो फाइलें डाली हैं वन बाई वन करके आपको इंस्टॉल करना है। दोनों फाइल इंस्टॉल होने के बाद इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद आप मैजिस्क ऐप में जाएंगे, ओपन करके देखेंगे, अगर वो ओपन हो जाती है तो आपका एकदम काम झकास हो गया है। उसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, फिर आपको गूगल प्ले में आईडी लगानी है, क्योंकि सारा डेटा रिरेज ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर खोलना है और बिल्ड प्रोप एडिटर डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको ओपन करना है और सर्च में टाइप करना है persist.camera.hal3 enabled। तो जैसे ही आएगा इसको सेलेक्ट करना है और वैल्यू को 0 से चेंज कर देना है 1। और अब आपको एक फाइनल रिबूट करना है, तो यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, आप रिबूट कीजिए, डिवाइस दोबारा से ऑन होगा। उसके बाद जो गूगल कैमरा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है उसको करना है इसमें इंस्टॉल, और आपका कैमरा हो गया चालू, अब मचा दो धमाल। तो अगर आप कुछ टाइम बाद स्टोक्रोम को दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं और बूट लोडर को रिलॉक करना चाहते हैं वारंटी पर्पस के लिए, तो उसका वीडियो आपको कल शाम तक आ जाएगा। वीडियो बन चुका है, बहुत ईजी है, इससे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ 2 स्टेप लगते हैं। और ये कुछ सैंपल है, आप तो यहाँ पे EIA सुधर गया है, यानी कि वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा आ गया। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी रियर से भी जबरदस्त हो गई है, अनबिलीवेबल है। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि गूगल कैमरा इतना खतरनाक एप्लीकेशन है कि इतने सस्ते फ़ोन में भी वो इतना बेहतर फील करा रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, नहीं पसंद आया है तो टेस्ट चेंज करो। और आपकी कोई भी क्वेरी, सजेशन या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, शायद कोई कमेंट ऐसा बचा होगा कि मैंने आज तक रिप्लाई नहीं किया। और आपको ज़्यादा इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पे abhi_truetechie को फॉलो कर DM कर सकते हैं। और अगर वीडियो ठीक ठाक लगी और फ्यूचर में देखना चाहते हैं ऐसे वीडियो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर लो इंस्टॉल गूगल कैमरा।